नमस्कार जोहर, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। जमशेदपुर मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर बड़ा बाकी डैम की स्थिति बद से बदतर है, क्योंकि वहां पे सरकारी योजनाओं का अभाव है। वहां पे लोग पर्यटक जो है घूमने आते हैं, लेकिन वहां पे बिजली और पानी की सुविधा नहीं है, जिस वजह से पर्यटक काफी नाराज है। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों का क्या कहना है और पर्यटक का क्या कहना है। डैम का परिस्थिति देखा जाए बहुत ही खराब है। यहाँ ना पीने का पानी है ना बिजली की व्यवस्था है। कोई भी श्रद्धालु डैम घूमने आते हैं तो सुरक्षा महसूस नहीं करते हैं उन लोग। और देखा जाए एक्चुअली डैम छोटा मकई बनाया गया कि खेती बाड़ी हो, यहाँ किसान को फायदा हो। जहाँ तक देखा जाए पानी की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल ही नहीं है, ना खेत में पानी पहुँचता है, कुछ नहीं। देखा जाए केनाल पूरा टूटा हुआ है, रेलिंग वेलिंग सब टूटा हुआ है डैम का। देखिए ये जो प्राकृतिक जो नेचर का जो मतलब सौंदर्य है बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ का जो कमी है सुविधा, वो पानी का बिजली का ये होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि सौंदर्य का जो मतलब प्रकृति का जो मतलब लुत्फ है, जो यहाँ के पब्लिक है, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, वो आके इसका मतलब इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सुविधा जो है सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बहुत दूर से आता है, जमशेदपुर से दिल्ली का दिल्ली आदमी मतलब 200-250 लोग आते हैं, और अभी तो पिकनिक का समय आ रहा है, उसमें और ज़्यादा आदमी डेली बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग भी सोचते हैं कि डैम एक बार रेफरिंग हो जाए। यहाँ लाइट का कुछ व्यवस्था नहीं है, डेली आदमी जाता आता है, रात में भी आदमी आता है, कंट्रोल होना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि लाइट भी लग जाए, साफ सुथरा होना चाहिए, सेफ। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम लोग लड़का लोग गाँव वाला ही संचालन करते हैं, तो अभी तो नहीं चल रहा है। लेकिन अगर कोई प्रशासन नहीं ध्यान देगा और गाँव ये नहीं देगा, तो हम लोग अपनी टीम बना करके जैसे सफाई करने से भी तो खर्चा होता है, तो 200-250 कभी कभी लेते हैं। लेकिन अभी तो बंद है, इससे चलते हमेशा खुला हुआ है, बहुत सा दुर्घटना भी होता है, आदमी जा करके लाश उस भी फेंक देता है। बहरहाल अगर सरकार के द्वारा इस पर्यटक स्थल को डेवलप कर दिया जाए तो यहाँ पे ग्रामीणों के लिए जॉब की सुविधा बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटक काफी संख्या में आएंगे। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार जमशेदपुर।